दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने गणित में आकलन नामक प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर आपने पूर्ण कर लिया होगा और उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आपने अपना नाम भी देख लिया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार आकर्षक प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर मौजूद अगला संभावित कोर्स। दोस्तों ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये लगभग हर सप्ताह चलेगा। एक प्रशिक्षण खत्म होगा उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा, तो कोई ना कोई प्रशिक्षण जो है आते ही रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रशिक्षण आपके सामने लेकर आया हूँ अगला प्रशिक्षण आपको यही करना पड़े, लेकिन ये प्रशिक्षण बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। अब तक आपने जितने प्रशिक्षण किए होंगे उन सभी में ये सबसे अच्छा है। दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या क्यों कैसे उत्तर प्रदेश। दोस्तों इससे विद्यार्थियों का विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है अध्यापकों का जो मन मस्तिष्क है उनके अंदर भी एक नई सोच उत्पन्न होगी। बहुत ही आकर्षक ये प्रशिक्षण है, मैं इसका भाग एक लेकर आया हूँ और आपको बताने चल रहा हूँ कि इस प्रशिक्षण में क्या है और क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आइए मित्रों हम शुरू करते हैं अपना यह पार्ट, भाग एक, दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या क्यों कैसे उत्तर प्रदेश। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। आप मित्रों इस प्रशिक्षण को जरूर पूर्ण कर लीजिए। इस प्रशिक्षण में भी 5 भाग हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे करके आप प्रशिक्षण को पूर्ण करिए। एक बार में एक भाग पूर्ण करिए, जरूरी नहीं कि एक साथ आप प्रशिक्षण को पूर्ण कर लें। तो जी आइए मित्रों हम शुरू करते हैं ये अपना प्रशिक्षण। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रशिक्षण का नाम है दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या क्यों कैसे, और इसका भाग एक है सोचना माने क्या। यह प्रशिक्षण भी ठीक उसी प्रकार से करना है जैसे कि आपने पिछला प्रशिक्षण किया था, ठीक है। अब आप जितने प्रशिक्षण करते जाएंगे आपका जो है सर्विस बुक उतना ही एनरिच होता जाएगा, समृद्ध होता जाएगा और आपका जो ज्ञान है, आपके अंदर जो क्षमता है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी प्रशिक्षण मौजूद हैं आप धीरे धीरे करके आप उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रशिक्षण की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, कि आप रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते। रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते। खाना खाते समय, पढ़ते पढ़ाते समय, फ़ोन खरीदते समय या फिर सोते समय। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आपके मन में इसका विचार आ गया होगा। आप इसका आंसर, यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो है रोज़मर्रा के जीवन में सोते समय व्यक्ति नहीं सोचता है, क्योंकि जब सोते समय जो है हमें अपने हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जी हैं जिन्होंने कहा था इंसान एक सोचने समझने वाला सामाजिक जीव है। ये स्टेटमेंट है अरस्तु जी का, आप सभी इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। मित्रों एक जो है छोटा सा बच्चा, चाहे वो छोटा हो, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है और मरते दम तक इंसान के अंदर कोई ना कोई सोच होती रहती है, कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है। अब यहाँ पर एक साल का बच्चा आपको दिख रहा है, ये एक छोटी सी वीडियो है, बहुत प्यारी सी वीडियो आपको जो प्रशिक्षण में दिखेगी। ये बच्चा जो है इस बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे उतरने की तरकीब सोच रहा है। पहले तो ये चादरों को गिराता है, उतरने की कोशिश करता है, दो चादर गिराता है नहीं उतर पाता है, एक तकिया गिराता है तब भी इसका पैर नहीं पहुँचता, दूसरी तकिया गिराता है तब भी पैर नहीं पहुँचता, फिर ये अपने दिमाग में सोचता है और तीसरी तकिया गिराता है तब इसका पैर जो है तकिए तक पहुंच जाता है। उसके बाद पुनः जो है ये इसे संशय रहता है कि मैं गिर ना जाऊं, फिर ऊपर चढ़ता है और एक तकिया और लाता है और धीरे धीरे करके ये बच्चा जो है बेड से नीचे उतरने में सफल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी
वो बहुत अर्ली एज से ही सोचना शुरू कर देता है। तो अगर हम उसके सोचने के बारे में, सोचने में सुधार कर सकें, उसके अंदर एक दार्शनिक सोच विकसित कर सकें, तो वह प्राणी जो है बहुत आगे जा सकेगा। अगला देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, आप बच्चे के इस व्यवहार से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 6 से 8 महीने की उम्र के बच्चे भी अपने इंद्रियों को इस्तेमाल कर नई नई समझ गढ़ते रहते हैं। पहली बार बोलने से पहले ही बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का हल निकालने लगते हैं। अब आप सोचिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब इसका क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों, ये जो तीनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों कथन दिए गए हैं, तीनों के तीनों ही यहाँ पर सत्य हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 6 से 8 महीने की उम्र के बच्चे भी अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल कर नई नई समझ गढ़ते रहते हैं। पहली बार बोलने से पहले ही बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का हल निकालने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रशिक्षण के जो है भाग एक के विषय में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इस प्रशिक्षण का जो जो दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक सोच है, उसका उद्देश्य क्या है, या सोचने के कौशल के क्या मायने हैं। इस भाग में आप देखेंगे, शिक्षक रोजाना के शिक्षण कार्यों में बच्चों में सोचने के कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, दर्शन शास्त्र हमें इस कौशल का विकास कराने में कैसे मदद कर सकता है। आपको जो है इस कोर्स में इन प्रश्नों का जवाब आपको निश्चित रूप से मिलेगा और बड़े ही आकर्षक तरीके से मिलेगा। यह कोर्स बहुत ही आकर्षक है, आपका मन भी लगा रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं, एक प्रश्न है कि खेती से संबंधित काम के बारे में नीचे दी गई दोनों गतिविधियों में से आप पहले किसे चुनेंगे, खेती के बारे में सोचना या खेती करना? खेती से संबंधित काम के बारे में नीचे दी गई दोनों गतिविधियों में से आप पहले किसे चुनेंगे? अब आप खुद ही बताइए। मेरे हिसाब से तो खेती के बारे में सोचना ही सही होगा और सही है भी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो यही है, खेती से संबंधित काम के बारे में नीचे दी गई दोनों गतिविधियों में से जो है खेती के बारे में सोचना पहले शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खेती के बारे में सोचने से ही खेती से संबंधित काम के बारे में जानकारी नहीं हो जाती है, जब तक कि आप खेती करके नहीं देखेंगे। यानी खेती के बारे में सोचना भी होगा और खेती करके भी देखना होगा। कहने का मतलब यह है कि सोचने के साथ साथ क्रियान्वयन भी बहुत जरूरी है। सोचना और क्रिया दोनों साथ साथ चलने वाले पहलू हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से जो है इस प्रशिक्षण में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इस प्रशिक्षण में आगे आपको मिलेगा कि बच्चों को गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं तो ऐसी कक्षा में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य पूरे होंगे। बच्चे सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आगे चलकर सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के योग्य होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते होंगे, अपने निर्णयों, मान्यताओं और विश्वासों को समय समय पर टटोल पाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो है इन जितने भी ऑप्शन यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या हो सकता है कि बच्चों को गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं तो ऐसी कक्षा में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य पूरे होंगे। क्या बच्चे सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आगे चलकर सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के योग्य होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझेंगे और अपने निर्णय, मान्यताओं और विश्वासों को समय समय पर टटोल पाएंगे? तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये चारों के चारों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगर बच्चों को गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं तो ये चारों ही चीज़ें, जो चारों स्टेटमेंट लिखे हैं, ये चारों बच्चों के अंदर विकसित हो जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है इस प्रश्न का जो जवाब है, जो विकल्प है, इसके चारों के चारों विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। अब जो है बात आती है कि आखिर जो है इसका जो उद्देश्य क्या है दार्शनिक सोच का, इससे क्या होगा? बच्चों में तार्किक रूप से सोचने का कौशल विकसित होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर सोच समझ कर निर्णय लेने का कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ति होती है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रशिक्षण में और आपको क्या मिलेगा। देखिए, इस प्रशिक्षण को संबंधित किया गया है NCF के मुख्य उद्देश्य,
एनसीएफ के मुख्य उद्देश्य क्या थे, सोचने समझने की प्रक्रिया और इन दोनों के बीच में दर्शन शास्त्र की भूमिका। तो इस कोर्स में आप देखेंगे कि एनसीएफ के जो मुख्य उद्देश्य हैं, सोचने समझने की प्रक्रिया और इन दोनों के बीच में दर्शन शास्त्र की क्या भूमिका है, वो आपको इस कोर्स में जो है बताया जाएगा और इस कोर्स के माध्यम से आप जो है उसे जान पाएंगे। आइए हम एक और सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कि कुछ सवाल बड़ा है और जवाब भी, सवाल छोटा है जवाब बड़ा है। देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन से सवाल दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हैं तो हाँ, नहीं जुड़े हैं तो नहीं। भगवान क्या है, क्या हमारे बाहर एक दुनिया है या फिर जो हम देखते हैं वो हमारे मन की सोच है? क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमारी नैतिक सोच के पीछे क्या कारण है? किसी बात को मानने और गहराई से जानने में क्या फ़र्क है? क्या हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभव से ही आता है? विज्ञान दुनिया के बारे में किस तरह का ज्ञान देता है? एक वस्तु कला कैसे कहलाएगी? यानी ये 8 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि क्या ये दार्शनिक दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, तो हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो दोस्तों, जब आप गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं उसमें तर्क और नैतिक सोच उसमें जुड़ी हुई है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है सभी 8 के 8वें स्टेटमेंट में हाँ का जवाब है। ठीक है, मैंने सबको हाँ लगाया है और हाँ ही इसका जो है सही जवाब है। तो आप देखेंगे इसमें जो है कि विद्यार्थी आलोचनात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, तर्कों के आधार समझते हैं, छिपी मान्यताओं को टटोलते हैं और खुद को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें जो है प्राइमरी कक्षाओं से ही दर्शन शास्त्र को लागू करना चाहिए। दर्शन शास्त्र के कुछ पहलुओं को जो है प्राथमिक कक्षाओं में ही लागू करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में भी दर्शन शास्त्र शामिल करना चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है विकसित करता है आपके अंदर रीजनिंग पावर, सोचने की क्षमता, नैतिक मूल, सामाजिक मूल, कई चीज़ें विकसित करता है। आगे देखते हैं, और इस भाग में, प्रशिक्षण के इस भाग में क्या क्या ऐसे प्रमुख चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ जो प्राप्त हुई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। वो ये है कि इंसान होने की पहली शर्त है कि उनके तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। अगर इंसान है उसके अंदर तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं कहलाएगा। दर्शन शास्त्र में सोचने के कौशल को प्रमुख स्थान दिया गया है। शैक्षिक उद्देश्य और दर्शन शास्त्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर सोचने वाले व्यक्ति बनाने में गहन रिश्ता है। हम शिक्षकों का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और अपने निर्णय स्वयं लेने के कौशल का विकास करना। तो दोस्तों, इस भाग में आपको ये प्रमुख बिंदु जो है सीखने को मिलेंगे। 5 भाग हैं इसमें, आप धीरे धीरे करके एक एक भाग का प्रशिक्षण लीजिए और यह बहुत ही शानदार प्रशिक्षण है, बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। प्लेलिस्ट में चले जाइए, डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट है, शिक्षण योजनाएं प्लेलिस्ट है, न्यूज़ एंड गाइडलाइंस प्लेलिस्ट है, जिनमें आपको तरह तरह की सूचनाएं आपको शिक्षा विभाग से और मिलेंगी। आप वहां पर देख सकते हैं और अपने आप को इंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।